पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने पार्ट वन बीए बीएससी बीकॉम का मेरिट लिस्ट निकाल दिया है। अगर आप लोग अपना अपना मेरिट लिस्ट नहीं देखे अब तक तो आप लोगों को अब देख लेना चाहिए, क्योंकि एडमिशन का डेट 15 जून से लेकर 20 जून तक रखा गया है। इसके बीच में आपको एडमिशन भी करना होगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे निकाला जाता है या कैसे देखा जाता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी .ac.in और एंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ एडमिशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है या पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और रिसेट कर देंगे। रिसेट करने के बाद आपका पासवर्ड पासवर्ड ही रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ आप होम पेज में आएंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे और ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपने पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखिए साइड में आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड रैंक कार्ड अंडर ग्रेजुएट, इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहीं से रैंक कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से ये रैंक कार्ड आपका ओपन होगा। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ये रैंक नंबर इतना होगा, आपका यहाँ नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मदर नेम कैटेगरी और आपका फ़ोटो सिग्नेचर और कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट किया है वो यहाँ देख सकते हैं। आप कॉलेज का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपका सेलेक्ट किया है ये देख लीजिए यहाँ पे आएगा और यहाँ प्रीफरेंस सब्जेक्ट में यहाँ पॉलिटिकल ऑनर्स आपका सेलेक्ट किया है ये भी आ जाएगा। स्टेटस में आप यहाँ देख सकते हैं अलाउड लिखा हुआ है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा योर कॉन्फिडेंटल नंबर इज इतना, एडमिशन ओपन डेट ये 15 जून देख लीजिए 2023 और एडमिशन क्लोज डेट यहाँ 20 जून 2023। हो सकता है इसमें डेट भर जाए लेकिन अभी आपको एडमिशन इसी डेट के बीच में करना होगा। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा वो यहाँ पे पूरा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इन सबको आप पढ़ लेंगे और यही रैंक कार्ड आपको साथ में भी लेके जाना होगा। सो इस तरह से आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी बीकॉम का रैंक कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पूर्णिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।